विकास अभियंत्रण कॉलेज के छात्र छात्राओं ने आज डेहरी में जमकर प्रदर्शन किया। ये लोग अपने कॉलेज के ओएसडी अनिल शर्मा के तबादले का विरोध कर रहे थे। तख्ती लिए सड़क पर उतरे छात्रों का कहना है कि रोहतास अभियंत्रण कॉलेज के विशेष कार्य पदाधिकारी अनिल शर्मा के ट्रांसफर हो जाने से कॉलेज के प्रबंधन पर काफी प्रभाव पड़ेगा, वहीं छात्रों को इससे काफी परेशानी होगी। इन्हीं परेशानियों को देखते हुए छात्र छात्राओं ने आज पड़ाव मैदान में एकत्रित होकर प्रदर्शन किया तथा कॉलेज के विशेष कार्य पदाधिकारी अनिल शर्मा के तबादले को रोकने की मांग की। छात्राओं ने कहा कि चूंकि अभी इंजीनियरिंग कॉलेज के नए भवन का पिछले महीने ही शिलान्यास हुआ है तथा भवन नहीं रहने के कारण डेहरी के पॉलिटेक्निक कॉलेज में इंजीनियरिंग कॉलेज की पढ़ाई हो रही है, ऐसे में विशेष कार्य पदाधिकारी के तबादले से नई व्यवस्था बनाने में काफी दिक्कत होगी। कॉलेज में रिटेन किया जाए और यहाँ सब हम लोग अपने अनिल सर के लिए आए हुए हैं। आपका नाम? मैं मोहिनी सिंह। हमारे भविष्य से मत करो खिलवाड़, सुन लो बिहार सरकार। हमारे भविष्य से मत करो खिलवाड़, हमारे भविष्य से मत करो खिलवाड़, सुन लो बिहार सरकार। अगर सरकार बदला नहीं होगा तो हम विरोध नहीं करेंगे। डॉक्टर अनिल कुमार का स्थानांतरण हो रहा है, जो कि हम लोग के कॉलेज के लिए बहुत कुछ किया है। वो 2016 में सिरसा कॉलेज ऑफ अभियंत्रण जब इसका शिलान्यास हुआ तो वो यहाँ आए थे, उन्हें मुख्यमंत्री ने खुद यहाँ के ओएसडी के रूप में नियुक्त किया था, जबकि वो गया के ऑलरेडी ओएसडी रह चुके थे, फिर भी उन्हें यहाँ के ओएसडी का नियुक्त किया गया। अगर वो है तो हमारे कॉलेज की शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है, अगर वो चले जाएंगे तो हमारे कॉलेज की शिक्षा व्यवस्था पूरी अस्त व्यस्त हो जाएगी, जो कि हम लोगों को नहीं चाहिए। हम लोगों को अपनी शिक्षा व्यवस्था सही सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारी ओएसडी को हमारे कॉलेज में रुकना चाहिए। लेकिन जब तबादला हो रहा है बहुत दुख की बात है। जब हम लोग आए थे तो इस कॉलेज के प्रथम पहले छात्र थे, इससे पहले यहाँ कोई छात्र नहीं पढ़ते थे, मीन्स हम लोग फर्स्ट बैच है। जब यहाँ पे आए थे सिर्फ ओनली कुर्सी टेबल के सिवा और कुछ नहीं था, तो उन्होंने आया तो बहुत किस किया। अभी बहुत सारे कॉलेज हैं जहाँ पे कोई भी लाइब्रेरी नहीं है। आप बख्तियारपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को देख सकते हैं, वो पटना में है, वहाँ पे सारे लाइब्रेरी अवेलेबल हैं। यहाँ पे उन्होंने इतना इंटीरियर जगह में हर चीज़ अवेलेबल कराया। हम चाहते हैं कि उनका तबादला नहीं किया जाए। आपका नाम? मेरा नाम जितेंद्र कुमार है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग।